हाउ टू ग्रो स्पिरुलिना, कैसे ग्रो होता है, पानी के ऊपर कैसे बनता है, और लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूजफुल है, हर एक यूज कर सकता है। माँ के पेट में जो बच्चा है तब से लेके जो बूढ़ा आदमी बेड पे सोया वो भी इसको यूज कर सकता है। मल्टी वाइटामिन है, इसकी 12 कैंडीज अगर खाते हो तो 2 चिकन 7 ग्लास दूध 225 एप्पल की ताकत मिलती है। चिकन नहीं है इसमें, शाकाहारी लोग परेशान मत होना, चिकन है इसमें, चिकन नहीं, मैं खाली ताकत बता रही हूँ। 2 चिकन 7 ग्लास दूध 225 एप्पल की ताकत 12 कैंडीज में मिलती है। तो अगर ये आप 6 भी खाओ तो आपको 1 चिकन की ताकत मिलेगी, ठीक है। जिसको वेट रिड्यूस करना है उसके लिए भी अच्छा है, जिसको बढ़ाना है उसके लिए भी अच्छा है। वेट रिड्यूस करने के लिए बिफोर हाफ एन आवर 45 मिनट बिफोर लेना है खाने से पहले, और जिनको मोटा होना है खाने के बाद लेना है, बस इतना ही हमको दिमाग में रखना है। इसमें अगर आप पूरी बॉटल भी एक दिन में खाओगे आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं। आप किसी को अगर ये दे रहे तो ये नहीं बोलना उसको, सामने वाले को ये नहीं, आपको डर नहीं होना चाहिए कि मैं इसको दूंगा ये पूरा खाएगा तो उसको कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला, फ्री ऑफ माइंड, फ्री ऑफ, इससे आप दे सकते हो, इजीली वो लोग खा सकते हैं। मैं सुबह सुबह बारह करती हूँ, मैं इतना ट्रैवल करती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। इसने अभी आने के बाद इधर खाया क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट खाई थी, खाना नहीं खाई, तो बैग में था, निकाल के भी खाई और यहाँ आके बैठी। तो ये कोई मेडिसिन नहीं है, दिस इज फूड सप्लीमेंट। भूख लगी तो इसको भी उठा के खाओगे तो आपकी भूख खत्म हो जाएगी, ठीक है। बच्चे लोग बल्कि मम्मा मोर मोर करके खाते हैं, लोग ज्यादा मांग के खाते हैं। मैं अपनी बिल्ली को भी देती हूँ, जब सुबह सुबह मैं ऐसी ला के लेती हूँ तो आके मेरे बाजू में खड़े देती, पूछे मेरा हाथ मुंह में जाने नहीं देती, खींचते रहती मुझे तो पहले मुझे तो, जब उसको दो खिलाती तब मैं अपना खाती हूँ, मुझे हाथ खिलाना नहीं, उसको भी बहुत पसंद है। तो हम अपने जानवरों को भी दे सकते हैं, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, बेस्ट फूड है। खून की कमी जिसमें है, एनिमिक होते हैं ना, डॉक्टर देख के बोलते हैं आप में तो खून ही नहीं, आप पीली पड़ रही हो, उसके लिए बेस्ट है। आप 2-2 घंटे से 4-4 खाओ, आपका खून जो कम हो गया वो पूरा आपका सही आ जाएगा। दूसरे दिन आप जाके टेस्ट कराओ, डॉक्टर बोलेंगे खत्म हो गया, एनिमिक नहीं हुआ। तो ये बेस्ट चीज है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, औरतों के लिए बहुत अच्छा है, लेडीज को, लड़कियों को पीएस प्रॉब्लम हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। प्रेग्नेंट लेडी को मैं 20-25 पर डे खाने देती हूँ ताकि उसके कोख में जो बच्चा पड़ रहा है उसको भी फायदा हो, माँ का डिलीवरी इजी हो। माँ के दूध के बराबर की ताकत है इसमें, GLA, माँ के दूध के बराबर की ताकत किसी फ्रूट में, किसी में सुना है नहीं है, लेकिन हमारे स्पिरुलिना में है, बेस्ट स्पिरुलिना। दूसरी कंपनी के पास भी है लेकिन मैं इसी की तारीफ करूंगी कि मैंने जांच करके देख चुकी हूँ उनका कैसा है हमारा कैसा है, इसमें जो ताकत है कहीं पर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी के लिए गए डॉक्टर बोलेंगे खून की कमी है, आपको खून चाहिए, दूसरा किसी का खून लेने से अच्छा ये खून बेहतर है ना, और लेने से अच्छा ये खून चढ़ा उसको खाने दो, उसका खून की कमी है खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा उसको कितना खून कहाँ से मिला। तो ये बेस्ट खुराक, बेस्ट ताकत की चीज है, औरतों को खाने की फुर्सत नहीं मिलती। हम लोग बहुत हाइपर रहते हैं ना, ये करना वो करना इधर जाना, तो कुछ खाने का टाइम नहीं मिलता। अगर ये खाओ आपको खाना नहीं भी खाएंगे तो आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। आप ये मत समझना मैंने खाना नहीं खाई तो मुझे कमजोरी आएगी, मैं बेहोश हो जाऊंगी, कुछ नहीं होगा, ये आपको कोई ताकत होगी। बेस्ट फूड है, इसको चेंज करो, औरतों को दो, छोटी बॉटल दो, बड़ी बॉटल ले दो, छोटी पहले दो, एक बॉटल खाने से ही उनको पता चलेगा उनको कितनी ताकत मिल रही है। अगर वो एक बॉटल खाएंगे तो दूसरी बार आपको जरूर बोलेंगे हमको बड़ी बॉटल लाके तो हम लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वो ताकत है स्पिरुलिना। तो ये इस तरीके से ग्रो होता है एल्गे पे और पानी पे, और बहुत सारे लोगों से शाकाहारी नहीं, क्यों शाकाहारी नहीं, तालाब में बनता है मतलब उसके अंदर मछलियां भी है, ठीक है, बहुत सारे लोगों, लेकिन नहीं, मैं 3 बार अपने फार्म हाउस गई हूँ और मैंने 3 बार हमेशा अलग अलग क्वेश्चन किए, उसके अंदर मछलियां होती है क्या, उन्होंने कहा नहीं, जो हमारा जब एल्गे आता है एल्गे निकाल के मशीन में डाला जाता है और जो पानी बच जाता है उसको बहाया जाता है और फिर नया पानी डाल के फिर से एल्गे उगाया जाता है, मतलब उस तालाब में मछलियां नहीं होती है।